वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 25 अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड नंबर 68 है। पहला सवाल, सल्फर का आम नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंधक। सल्फर का आम नाम है गंधक। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में HTML का मतलब क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, काला घोरा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोरा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी किरणों के कारण त्वचा का नुकसान होता है? कौन सी किरणों के कारण त्वचा का नुकसान होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ग्रह है। सूर्य से बुध फर्स्ट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस में वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार किस वंश का राजा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यंक वंश। नहीं, इसका राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यंक वंश। इतिहास में आपको एगो बिंदु सार पढ़ना पड़ता है और एगो बिंबी सार। तो बिंबी सार हर्यंक वंश का था और बिंदु सार आपका मौर्य वंश का था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1914 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रसिद्ध मंगल मिशन को किस नाम से बुलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोम। क्वेश्चन नंबर 10,
भौतिक मात्रा की इकाई विद्युत प्रवाहकत्व क्या है? भौतिक मात्रा की इकाई विद्युत प्रवाहकत्व क्या है? ये सवाल इस साल आपके एग्जाम में पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 13। किस टीम ने 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14। मोती मस्जिद निम्नलिखित विश्व विरासत स्थलों में से किसमें स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल किला परिसर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु। ये सवाल इस साल पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19। ओजोन को डैश के रूप में दर्शाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, O3 के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन से जीव वर्मी कंपोस्टिंग करने में मदद प्रदान कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर स्थल है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, आंतों के जीवाणु मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह पर उपग्रहों की अधिकतम संख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्वे की राजधानी क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो। क्वेश्चन फॉर यू, मुगल सम्राट अकबर का विश्वस्त जनरल कौन था। चंगेज किंग। तो आपको आंसर बताना होगा, यदि आप आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। ओके, वीडियो अब तक लाइक कर दिए तो धन्यवाद, नहीं करे तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसमें सभी सवाल अच्छे थे जो कि आपने देखा होगा, खुद समझ में आया जरूर होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अपने शेयर, आपके फ़ोन में शेयर के एक एरो तीर का निशान होगा वहाँ से क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, करते हैं तो धन्यवाद। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ये एपिसोड नंबर 68 थे, इसके पिछले 67 एपिसोड और हैं। आप इस एपिसोड के साथ बने रहें जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम के एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, कैसा सवाल पूछा जा रहा है उसमें। और यदि आप हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो हिस्ट्री के लिए एक स्पेशल एपिसोड चल रहा है जिसे देख करके आप हिस्ट्री को अच्छे कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है तो भी आप उस एपिसोड के साथ जुड़ सकते हैं और अपने हिस्ट्री को अच्छे कर सकते हैं। ज्योग्राफी के एपिसोड चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक, वहाँ से आप जीरो से बिल्कुल जीनियस बन सकते हैं, वहाँ से ज़रूर आप देखें यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं तो। आपके लिए कंप्यूटर बिल्कुल, अभी दो तीन एपिसोड उसके निकले हैं, वहाँ से आप कंप्यूटर को भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी सॉरी साइंस के भी एपिसोड चल रहे हैं, आप साइंस को भी रेगुलर देख करके साइंस को अच्छे कर सकते हैं। आपके लिए पॉलिटी प्लस सिविक्स के भी एपिसोड चल रहे हैं, आप उसको देख करके अच्छे कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए इस चैनल पे GKGS की तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल रोजाना दिए जाते हैं एक क्यूज वीडियो के थ्रू, जिसे देख करके आप अपने GKGS को अच्छे कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।